एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। अमेरिका में स्थित लास वेगास से 134 किलोमीटर की दूरी पर नेवाडा के रेगिस्तान में बसी एक ऐसी रहस्यमयी जगह जो आज तक चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ से संबंधित कई ऐसी मिस्ट्रीज है जिनको आज तक सॉल्व नहीं करा गया है, और नाम है इसका एरिया 51। दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये अमेरिका का नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है, जहाँ पे अमेरिका अपनी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ मिलिट्री मशीन्स और वेदर कंट्रोल इक्विपमेंट्स बनाता है। लेकिन इसकी असलियत कुछ और बताई जाती है। कुछ रिसोर्सेज के अनुसार ये खबरें आती रहती है कि अमेरिका यहाँ पे कुछ एलियंस की टेस्टिंग करता है जो कि पिछले कुछ सालों में पृथ्वी पर आए थे। ये अमेरिका का एक ऐसा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसे वहाँ की मिलिट्री ने चारों ओर से कवर कर रखा है, और अगर किसी भी इंसान को इस एरिया के आसपास भी देखा जाता है तो वहाँ की मिलिट्री को बाकायदा शूट एंड साइट तक के ऑर्डर भी है। इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के ऊपर से ना तो कोई प्लेन उड़ सकता है, और अगर इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया को आप गूगल मैप पे भी देखने की कोशिश करोगे तो भी आप इसे वहाँ पे नहीं देख सकते हो। एलियंस वो लोग होते हैं जिन्हें हम दूसरी दुनिया के लोग कहते हैं। आज नहीं तो कल हमें इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि एलियंस का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मौजूद है। कुछ समय में या तो हम खुद उन्हें ढूंढ लेंगे या फिर वो खुद ही हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ, विज्ञान खुद इस बात की गवाही देता है कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी जहां पे जीवन जीने लायक अनुकूल परिस्थितियां होगी, और जहां ये अनुकूल परिस्थितियां होगी वहां पे जीवन होगा, और वही हमारे लिए एलियंस कहलाएंगे। खबरें ऐसी भी आती है कि अमेरिका यहाँ पे कुछ UFO मतलब कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि आसमान में उड़ती हुई एक ऐसी अजीब सी रोशनी जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा हो, जिसके अंदर बैठ के एलियंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, उनके ऊपर यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब कि जो क्रैश्ड UFO है उसके मलबे को उठा के उसके ऊपर रिसर्च करके उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और फिर एक एडवांस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बनाना, ये सारे काम अमेरिका इस एरिया 51 में करता है। आखिर ये जगह इतनी रहस्यमयी कैसे हुई, इसको एलियंस के साथ कैसा जोड़ा जाने लगा, तो बात है 1947 की, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि जॉर्जिया के एक शहर रॉजवेल में लोगों ने आसमान में उड़ती हुई एक अजीब सी रोशनी को, एक उड़न तस्त्री को देखा जो कुछ ही समय बाद रॉजवेल में आके क्रैश हो गई, और इसी के साथ ही एलियंस के धरती पर आने का हल्ला भी हो गया। इसे सबसे पहले वहाँ काम कर रहे एक किसान मैक ब्रेजल ने देखा था, और जब बाद में मैक ब्रेजल से पूछताछ की जाती है तो उसके शब्द कुछ ऐसे थे, मैंने देखा कि वो यान एक काफ़ी चमकीली धातु से बना था और हाथ लगाने पे वो काफ़ी मुलायम और हल्की धातु थी, जैसा कि मानो वो किसी मासलेस पार्टिकल से बनी हो, क्योंकि मासलेस पार्टिकल्स ही लाइट की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ के कुछ लोगों का यहाँ तक कहना था कि इस UFO के अंदर 3 एलियंस की डेड बॉडी को भी बरामद किया गया था, जिसे बाद में ऑटोप्सी के लिए एरिया 51 ही ले जाया गया था। अगले ही दिन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है कि रॉजवेल के अंदर एक फ्लाइंग सॉसर को पाया गया है, लेकिन वहाँ की मिलिट्री ने इस बात को इस हद तक छिपाने की कोशिश करी कि अगले ही दिन न्यूज़पेपर का आर्टिकल चेंज कर दिया जाता है कि इट वाज अ काइंड ऑफ वेदर बलून, ये एक मौसमी गुब्बारा था जो कि रॉजवेल के अंदर क्रैश हुआ था, और इसी बात से वहाँ के लोगों का एलियंस को लेके जो शक था वो यकीन में बदल गया। 1990 तक USA गवर्नमेंट ने इस जगह को काफ़ी हद तक छिपाने की कोशिश करी, लेकिन पब्लिक प्रेशर से 2013 में USA गवर्नमेंट ने फाइनली इसके अस्तित्व को स्वीकारा, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी दावा किया कि यहाँ पे परग्रही जीवों से किसी भी तरीके की कोई कनेक्टिविटी नहीं है और ना ही उनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। 1989 में एक साइंटिस्ट बॉब लेजार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं, और उन्होंने जिस UFO के ऊपर काम किया था वो 40 लाइट ईयर्स दूर से आया था, और उन्होंने साथ में यह भी बताया कि एलियंस हमारी धरती को हजारों सालों से विजिट करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने जिस UFO के ऊपर काम किया था वो एक ऐसे मेटल से बना था जिससे एंटी ग्रेविटी वेव्स को जनरेट करा जाता था, और एंटी ग्रेविटी वेव्स
की सहायता से बिना फ्यूल के किसी भी एयरक्राफ्ट को हम कितने भी लाइट ईयर्स दूर तक एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हालांकि इनके ये सारे वादे बाद में झूठे साबित हुए। जब जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि इन्होंने कभी भी एरिया 51 में काम ही नहीं किया था। सन 2014 में एक और साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने अपनी लाइफ का एक आखिरी इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने भी ये दावा किया कि वो भी एरिया 51 में काम कर चुके हैं और अपने इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने एलियंस के कुछ फोटोज भी शेयर करे। बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो पाया गया कि उन्होंने जो भी फोटोज शेयर करी थी वो बिल्कुल रियल थे, उनमें किसी भी तरीके की कोई भी एडिटिंग नहीं थी। कई लोगों का ये मानना है कि बॉयड बुशमैन ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच कहा था, क्योंकि एक मरता हुआ इंसान अपने आखिरी क्षणों के अंदर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। देखिए एग्जैक्टली एरिया 51 में होता क्या है इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने व्यूज तो रख सकते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका वहां पे कोई सीक्रेट प्लानिंग करता है या फिर ये केवल र्यूमर्स है जो हम फैला रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।